आज हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के ऊपर। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सॉलिड कैसे बनता है। हमारे पास जो लिक्विड होते हैं ना, जब हम लिक्विड की कंडेंसेशन करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास सॉलिड बन जाता है। ये अगर आप इसको सिंपल इजी वे में ये कह सकते हो कि जब आप लिक्विड की सारी पावर को बाहर निकाल देते हो तो जिसकी वजह से आपके पास एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि कंडेंसेशन किस तरीके से की जाती है। कंडेंसेशन का पैटर्न ही आपको बताता है कि आपके पास जो सॉलिड है ना, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है या आपके पास एक अमॉर्फस सॉलिड है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड तो आपके पास वो सॉलिड होते हैं जिसमें आपके पास जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है ना, वो एक रेगुलर फॉर्म में होती है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर होती हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर इन रेगुलर अरेंजमेंट। अगर आप इसकी एग्जाम्पल देखें तो इसमें क्या होता है कि ये आपके पास कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके पास एक रेगुलर अरेंजमेंट की फॉर्म में होंगे, कुछ इस तरह से। लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड है, इसमें क्या होता है कि आपके पास जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो आपके पास एक इरेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। इसमें आपके पास जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स आर इन इरेगुलर अरेंजमेंट। अगर इसकी एग्जांपल आप देखें तो हो सकता है कोई मॉलिक्यूल आपके पास इस फॉर्म में हो और साथ ही इसके कोई दूसरा इस फॉर्म में हो और इसी को लेके चल रही हो, इस तरह कुछ। इनकी जो अरेंजमेंट होती है ना, वो रेगुलर नहीं होती, वो इरेगुलर होती है, बेतरतीबी होती है, कुछ इधर होते हैं कुछ उधर होते हैं। अब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो आपके पास डेफिनेट होते हैं। डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। और जो आपके पास अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, इसके जो मेल्टिंग पॉइंट आपके पास होते हैं वो डेफिनेट नहीं होते, नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। इनकी जो एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग बॉन्ड स्ट्रेंथ। लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड है उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो लो होती है, लो बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसके साथ एक और टाइप है इनकी, पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या होता है कि अगर हम इसमें थ्री बॉक्सेस को कंसीडर कर लें, कुछ ऐसे फर्ज करें, और यहाँ पे जो आपके पास एटम फर्ज कर लें या आप फर्ज कर लें, कुछ भी फर्ज कर लें, उनके जो अरेंजमेंट है वो सेम है, एक पैटर्न में, इस बॉक्स में, इस रीजन में, कुछ इस तरह से। आप इसको क्रिस्टलाइन भी कह सकते हैं, इस रीजन को, ये रीजन आपके पास, एक रीजन आपके पास क्रिस्टलाइन भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो आपके पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट है वो सेम है। और इसको हम ग्रेन्स भी कहते हैं, इसको, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, ग्रेन्स। और इस साइड पे अगर आप फर्ज कर लें आपके पास जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस फॉर्म में है, इसके कंपेयर तो अपोजिट है, लेकिन अपने इसके हिसाब से इसकी जो अरेंजमेंट है वो फिट्स, ठीक है। कि अगर आप इसको देखें तो ये भी एक क्रिस्टलाइन की फॉर्म है, यहाँ पे आपके पास जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से है। अगर आप नीचे कंसिडर कर लें तो यहाँ पे इस तरह के अरेंजमेंट है, लेकिन ये भी अरेंजमेंट जो है
ये अपने हिसाब से क्रिस्टलाइन ही है, क्योंकि ये आपके पास एक रेगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन इसके हिसाब से ये क्रिस्टलाइन नहीं है, ये इसके हिसाब से क्रिस्टलाइन नहीं है, ये अपने रीजन के हिसाब से तो क्रिस्टलाइन है, ये भी अपने रीजन के हिसाब से क्रिस्टलाइन है, ये भी अपने रीजन के हिसाब से क्रिस्टलाइन है। जब हम बहुत सारे क्रिस्टलाइंस को आपस में मीट करते हैं तो हमारे पास एक पोली क्रिस्टलाइन की फॉर्म आ जाती है। जब हम बहुत ज़्यादा क्रिस्टलाइंस को आपस में एक दूसरे के साथ मीट करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास एक पोली क्रिस्टलाइन की फॉर्म आ जाती है। और इस बाउंड्री को, इसको अगर मैं रेड पेन से शो करूं, तो ये जो आपके पास बाउंड्री है इसको आप ग्रेन बाउंड्री कहते हैं, ग्रेन बाउंड्री, ग्रेन बाउंड्री। और ये होल आपको एक पोली क्रिस्टलाइन की फॉर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो इसका एक रीजन है ये क्रिस्टलाइन के तौर पर वर्क करता है। होल ये आपके पास पोली क्रिस्टलाइन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।